हेलियोडोरस स्तंभ। हेलियोडोरस स्तंभ एक पत्थर का स्तंभ है जिसे लगभग 1-1-3 BC मध्य भारत में विदिशा मध्य प्रदेश के पास बेसिंगा में बनाया गया था। देवता गरुड़ का उल्लेख करते हुए हेलियोडोरस द्वारा स्तंभ को गरुड़ मानक कहा गया था। स्तंभ का नाम आमतौर पर हेलियोडोरस के नाम पर रखा गया है, जो तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा एंटियालसिडास का राजदूत था और उसे भारतीय शासक भागभद्र के पास भेजा गया था। देवों के देव और सर्वोच्च देवता वासुदेव कृष्ण की वंदना करते हुए स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में लिखा एक समर्पण अंकित किया गया था। ये स्तंभ भारतीय शासक को उद्धारकर्ता भागभद्र के रूप में भी महिमामंडित करता है। स्तंभ एक स्तंभ है जो पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग को जोड़ने का प्रतीक है और माना जाता है कि यह ब्रह्मांडीय धुरी को दर्शाता है और देवता की ब्रह्मांडीय समग्रता को व्यक्त करता है। हेलियोडोरस स्तंभ स्थल भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर 37 मील उत्तर पूर्व में दो नदियों के संगम के पास, सांची के बौद्ध स्तूप से 11 किलोमीटर 6.8 मील और हिंदू उदयगिरी स्थल से 4 किलोमीटर 2.5 मील दूर स्थित है। इस स्तंभ की खोज 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। 20वीं शताब्दी में दो प्रमुख पुरातात्विक उत्खननों से पता चला है कि यह स्तंभ एक प्राचीन वासुदेव मंदिर स्थल का हिस्सा है। भगवद गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों के अलावा हेलियोडोरस स्तंभ और हाथीबाड़ा गोसुंडी शिलालेखों पर शिलालेखों में वासुदेव कृष्ण भक्ति और प्रारंभिक वैष्णववाद के कुछ शुरुआती ज्ञात लेख शामिल हैं और इसे इसके अस्तित्व का पहला पुरातत्व प्रमाण माना जाता है। इस स्तंभ को वैष्णव धर्म में परिवर्तित किसी विदेशी के सबसे पुराने जीवित अभिलेखों में से एक कहा गया है। एक वैकल्पिक व्याख्या यह है कि विदेशी देवताओं के प्रति समर्पण करना यूनानियों के लिए केवल एक तार्किक अभ्यास था, जिसका उद्देश्य उनकी स्थानीय शक्ति को हड़पना था और इसे हिंदू धर्म में रूपांतरण के रूप में नहीं माना जा सकता है। 1913 की खुदाई से पता चला कि हेलियोडोरस स्तंभ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मंच के नीचे है। यह एक अधिक प्राचीन स्तंभ के अवशेषों के शीर्ष पर स्थित है, जो संभवतः बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था। समय के साथ विभिन्न बाढ़ों से गाद जमा हो गई और कुछ बिंदु पर एक ऊंचा मंच जोड़ा गया। स्तंभ शाफ्ट में पत्थर की धातु की परत के साथ रखे गए दो प्लेसमेंट पत्थरों का आधार समर्थन है। इसके ऊपर स्तंभ का एक बिना छंटा हुआ पत्थर वाला भाग था। बिना छंटे हुए खंड के ऊपर एक छंटा हुआ अष्टकोणीय क्रॉस सेक्शन है। मूल जमीनी स्तर बिना छंटे और छंटे हुए खंड के जंक्शन से लगभग 4.5 सेंटीमीटर ऊपर था। हेलियोडोरस स्तंभ की संरचना और सजावटी तत्व। ये स्तंभ मूल रूप से गरुड़ की एक मूर्ति का समर्थन करता था, जो अब खो गई है या संभवतः ग्वालियर के गुजरी महल संग्रहालय में स्थित है। स्तंभ पर सजावटी बैंड अष्टकोण 16वें और 16वें 30 सेकंड खंडों के जंक्शनों पर हैं। निचले सजावटी बैंड में आधे रोसेट होते हैं, जबकि ऊपरी सजावटी बैंड फूलों की पत्तियों और लटकती लताओं के साथ पक्षियों के झुंड के साथ एक उत्सव होता है। शुरुआती विद्वानों ने इसे गीज या हंस समझा, लेकिन बारीकी से जांच करने पर पता चला कि वे नियमित कबूतर जैसे पक्षी हैं, गीज या हंस नहीं।